Everyone, so welcome back to our channel. So today again I came up with one more video where I'm going to discuss about a recent PhD notification. So aaj hum discuss karenge PhD notification released by Bodoland University. So if you are looking for the PhD position, then this video is for you. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेडलाइंस, आप कैसे अप्लाई करोगे एंड व्हाट आर द वेटेजेस फॉर द इंटरव्यू, सिलेबस, एवरीथिंग. तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना. सो या लेट्स स्टार्ट. तो सिंपल, आप गूगल में जाके बोडोलैंड यूनिवर्सिटी टाइप करोगे, देन देयर आर वेरियस ऑप्शन आएगा. तो वेबसाइट विजिट करने के लिए यू जस्ट ओपन द सेकेंड टैब. तो मैंने इसको ऑलरेडी ओपन करके रखा है. ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट. तो आप जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे उनका नोटिफिकेशन सेक्शन आएगा, जहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख सकती हो पीएचडी एडमिशन वाला पॉपअप हो रहा है. तो ये सारे नोटिफिकेशन को देखने के लिए सिंपल व्यू ऑल कर सकती हो. तो मैंने व्यू ऑल करके अनदर टैब में ओपन करके रख चुकी हूँ. तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे 19 नवम्बर को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ रिगार्डिंग द पीएचडी एडमिशन. तो यहाँ पे सिंपल आप क्लिक करके भी खोल सकते हो, या मैंने अनदर टैब में खोल के रखा है. तो ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है. सो इस नोटिफिकेशन में बहुत वेरियस इंफॉर्मेशन दिया गया, तो इसको मैं जितना हो सके बहुत क्रिप्स करके आपको बताने वाली हूँ. तो इस बार इन लोगों ने जो पीएचडी पोजीशन रिलीज किया है फॉर 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स, दैट इज बोटानी में 2 सीट वैकेंसी है. उसके बाद यहाँ पे रिसर्च एरिया भी ऑलरेडी बता दिया गया है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप अप्लाई कर सकते हो. इकोनॉमिक्स में 8 सीट है यहाँ पे इकोनॉमिक्स में. सो वेरियस टॉपिक जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, सो दीज आर डिफरेंट रिसर्च टॉपिक. हिस्ट्री में टोटल 4 सीट बोला है. यहाँ पे कोई भी टॉपिक स्पेसिफाइड नहीं है, ओपन है. सो दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी गुड चांस. तो ये था डिफरेंट सीट एंड द डिपार्टमेंट जिसमें पी एच डी वैकेंसी है फॉर द कमिंग 2024 to 2025 सेशन. उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फिक्स किया यूजीसी ने, वही है नॉर्मल. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव पास 3 ईयर बैचलर्स एंड 2 ईयर मास्टर डिग्री, तो आपको 55% होना जरूरी है. उसके बाद जो 5% रिलैक्सेशन है, 5% रिलैक्सेशन दिया गया है ST SC OBC एंड डिफरेंटली एबल स्टूडेंट के लिए. उसके बाद यदि अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यदि आपने 4 ईयर्स बैचलर डिग्री किया है, देन आपको 75% होना जरूरी है. एंड अगेन 5% रिलैक्सेशन दिया है रिजर्व कैटेगरी के लिए. एमफिल क्वालिफाइड स्टूडेंट हो आप, तो अगेन आपके 55% होना जरूरी है. उसके बाद 5% रिलैक्सेशन दिया गया है फॉर द रिजर्व कैटेगरी. नाउ प्रोसीड्यूर फॉर एडमिशन, यहाँ पे 3 डिफरेंट ग्रुप्स डिवाइड किया. फर्स्ट ग्रुप जिसके पास फेलोशिप है, एंड इफ द पर्सन इज अप्लाइंग, इफ द स्टूडेंट इज अप्लाइंग, देन द उनको फर्स्ट इम्पॉर्टेंस में प्रायोरिटाइज किया जाएगा, ठीक है. उसके बाद यदि ग्रुप टू स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल जिसने नेट क्वालिफाइड किया अंदर, एक होता है लेक्चरशिप के लिए, एक होता है फॉर पीएचडी, तो दे आर फॉल इन द ग्रुप टू. थर्ड, यदि यूनिवर्सिटी देर इज अ पॉसिबिलिटी बहुत सारे स्टूडेंट नॉन क्वालिफाइड एग्जाम्स लोग या नॉन नेट लेने अप्लाई किया, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी एंट्रांस कंडक्ट करा सकते हैं. यहाँ पे बोला मे लिखा है, ठीक है. प्रोवाइडेड यदि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ऑन द 2 कैटेगरीज नहीं मिला तभी कराएं. यदि सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मिला फ्रॉम द ग्रुप 1 ग्रुप 2, देन उनका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, ठीक है. तो यदि नंबर ऑफ एप्लीकेंट सफिशिएंट नहीं हुआ तभी जाके यहाँ पे आपको एंट्रांस होगा. एंट्रांस का जो सिलेबस है यहाँ पे आप देख सकती हो, यह वाला लाइन पे 50% ये रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट्स हैव सिक्योर, जिसका 50% मार्क्स आएगा एंट्रेंस टेस्ट में, उसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. उसके बाद जो ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, फॉर एग्जाम्पल उनका डिविजन कैसे, उनका 70% स्कोर होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड या नेट के मार्क्स पे, एंड 30% होगा इंटरव्यू पे. सो तीनों ग्रुप को मिला के एक कॉमन मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा, ठीक है.
इवन द फाइनल स्कोर फॉर अस विल बी नॉर्मलाइज, 100 के स्केल में नॉर्मलाइज कर देंगे, उसके बाद ही उनका एक मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट पब्लिश होने के बाद आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। इंटरव्यू पे बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो है आपको आपका जितना भी मेन है रिसर्च स्टेटमेंट या रिसर्च प्रपोजल के रिगार्डिंग, यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया गया, तो रिसर्च प्रपोजल पहले से आप, यदि आप श्योर हो आपके पास फेलोशिप है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सुइंग पीएचडी इन बॉर्डरलाइन, तो आप प्रिपेयर करके रखना, ठीक है। तो ये था, ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन के लिए बोला गया है। तो वो उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कैसे अप्लाई करना, हाउ यू आर गोना अप्लाई, ठीक है। 700 यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फी फॉर जनरल ओबीसी स्टूडेंट, ओबीसी ये दोनों ओबीसी ए एंड ओबीसी बी दोनों कंसिस्ट करेंगे। 400 है फॉर द रिजर्व कैटेगरी एंड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। आपको वेबसाइट में जाके ही अप्लाई करना है, एंड ये ऑलरेडी अभी लाइव चल रहा है एप्लीकेशन, स्टार्टेड फ्रॉम 15 नवंबर, तो लास्ट डे 30 नवंबर के तक। उसके बाद रिटर्न टेस्ट अगेन फिर से विल बी कंडक्ट उसी डिपार्टमेंट में कंडक्ट किया जाएगा जहाँ पे सफिशियंट नंबर ऑफ नेट क्वालिफाइड इज लेस। यदि नेट क्वालिफाइड फॉर एग्जाम्पल उनको वैकेंसीज 2 है, देर इज अ पॉसिबिलिटी 5 times एक्सपेक्ट करे, 10 times, 15 times, उनका अपना ये भी डिस्क्लोज नहीं किया। यदि उनको बहुत कम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मिला तभी जाके उस डिपार्टमेंट में एंट्रांस होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली एंट्रांस यूनिवर्सिटी में ही होगा, ठीक है। एंड इंटरव्यू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में ही होगा, स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट में। सो लास्ट डेट है 30th of November, सो स्टिल देर इज अ टाइम, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अप्लाई फॉर इट। सो ये फी स्ट्रक्चर फॉर पीएचडी प्रोग्राम आप ये सिंपली देख सकते हो। सो ये था रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन। अब नाउ क्वेश्चन आता है, आप अप्लाई कैसे करोगे। अगेन गो टू दिस ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद यहाँ पे एक चीज इम्पोर्टेंट लिंक्स वाला चीज, यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ रहा है, पीएचडी एडमिशन, तो इसको क्लिक करना है आपको। जब क्लिक करोगे देन इट विल गोइंग टू टेक यू टू दिस इंटरफेस, ये वाला एडमिशन एजुकेशन समथिंग वाला। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप फॉर द फर्स्ट टाइम यूजर हो तो आपको रजिस्टर करना है, इसमें अकाउंट क्रिएट करना है। ये उनका ऑफिशियल साइट है जहाँ पे एडमिशन रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो लोग प्रोवाइड करते हैं। ऑलरेडी जो एडमिटेड स्टूडेंट है उनका भी सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आता है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ पे मेल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। सो आपको फॉर द फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर भी देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कितना KB का आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना। आप नीचे जाओगे, स्क्रॉल करोगे, बिफोर अप्लाइंग कीप ऑल योर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स फोटो एंड सिग्नेचर स्कैन। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में होना पड़ेगा, एंड बाकी डॉक्यूमेंट PDF में जिसका मैक्सिमम साइज 200 KB, तो ये आप ध्यान पे रखना। उसके बाद वंस आप रजिस्टर्ड होने के बाद आपको एक यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल जाएगा, उसको लेके आपको यहाँ पे करना है। वंस यू विल स्टार्ट देन यू कैन, यहाँ पे लॉग इन करने के बाद आप PhD फॉर्म फिल कर सकते थे, सॉरी कर सकते हो, ठीक है। तो ये है ऑल अबाउट बॉर्डरलाइन यूनिवर्सिटी। सो होप आपको जो चाहिए था हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। फिर स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज आपको कमेंट करके पूछ सकते हो, हमारा टीम हमेशा आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। सो आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली DM कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो फॉर सच मोर अपडेट्स टू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन। So, thank you.